हेलो फ्रेंड, बंगरा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रायता। रायता तो ऐसे कई प्रकार से बनाया जाता है, बूंदी का रायता, खीरे का रायता, उसी में से एक है प्याज टमाटर का रायता, इसे हम आज बनाएंगे। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रायता बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे एक कटोरी फ्रेश दही। रायता बनाने के लिए आप ना फ्रेश दही यूज करें, इससे रायता बहुत ही टेस्टी बनता है। दही को हमें फेंट लेना है, तो इस तरह दही को फेंटने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा वाइट नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये हमारा प्याज टमाटर का रायता बनकर तैयार है। अब हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा अनार का दाना, ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास था तो मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा कलरफुल दिखेगा, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो आपने देखा रायता बनाना कितना आसान है, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप भी इसे बनाकर खा सकते हैं। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, अनार का दाना, ऊपर से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। लीजिए फ्रेंड, हमारा प्याज टमाटर का रायता बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।